सितारों से मैं क्या चाहूँ सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, सुहानी की शादी तय हो गई अगले महीने 16 तारीख। सुहानी और करण की शादी होने जा रही है। फिलहाल तो मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। सुहानी और करण की शादी की मुबारकबाद। सुहानी, संजना की बातों पर तो मुझे यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हारी शादी के चर्चे चारों तरफ फैल चुके हैं। पर मुझे यकीन है कि हर अग्नि परीक्षा से गुजर कर भी मैं अपनी मंजिल तक पहुँच कर रहूंगी। चाहे इसके लिए मुझे एक प्यार तो क्या, हजार प्यार को कुर्बान करना पड़े तो भी चले। मैं जानती हूं कि इसी से मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। चलो सुनो, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो शायद पता नहीं हम कब मिल पाते। बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए तो तुम्हें मैं वापस लेकर कनाडा चला जाऊंगा। मां तुमको देखकर बहुत खुश होगी। मम्मी तो खुश होगी, और तुम खुश नहीं होगे? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी कि हमारी शादी होने वाली है। हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन मेरे लिए खुशी कोई खुशी नहीं है करण, मेरे लिए तो ये दुखों का कारण है। खुशी तो मुझे तब होती जब तुम मुझसे कहते, जाओ सुहानी, भले ही तुम्हें दुनिया से लड़ना क्यों ना पड़े, अपने मकसद को अंजाम दो, विजेता होकर आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुहानी, सुहानी, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। सुहानी, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, इनकी कदर करता हूँ, लेकिन ये मेरे जज्बात नहीं है करण, ये तो मेरा जुनून है, मेरा संकल्प है, मेरे भैया की मौत का बदला लेने का संकल्प। तुम उसे जज्बात का नाम देकर इतना हल्का मत करो। I'm sorry, सुहानी, I'm really sorry. लेकिन सुहानी, अब तुम ही बताओ, क्या हमारे पास इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा भी तो नहीं है? विजेता वो नहीं होते करण जो बने बनाए रास्तों पर चलते हैं, विजेता तो वो कहलाते हैं जो अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं। और मुझ में ये साहस है कि मैं अपने लिए रास्ता खुद बना सकूं, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरा साथ? सुहानी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं करण, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ तुम्हारे पास आई हूं कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। करण, तुम इस शादी से इनकार कर दो। बोलो करण, तुम मेरी बात मानोगे ना? बोलो ना करण। सुहानी, लेकिन सुहानी, देखो करण, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम्हारा प्यार मुझसे कोई चाहत नहीं रखता, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे उसी प्यार का वास्ता देकर कहती हूँ।
मेरी शादी से इनकार कर दो, वरना वरना मैं समझूंगी कि तुमने मुझसे प्यार किया ही नहीं। सुहानी, ये सुहानी पे कितना सुंदर लगेगा, है ना? देख राजा, देख तो। और ये कंगन, ये भी बहुत सुंदर लग रहे। हाँ, ये बहुत खूबसूरत लगेगी सुहानी। लेकिन तू तो सारा का सारा बाजार खरीद लाई। कहाँ से राजा, अभी तो बहुत सारी तैयारी करनी है। सुहानी के लिए कपड़े लेने हैं, करण के लिए लेने हैं, बारातियों के लिए लेने हैं, और तू कह रहा है कि सारा बाजार ले आई। हाँ, ये खरीदारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन लेकिन अभी उसमें वक्त है। आई वक्त कहाँ है राजा, देखते ही देखते शादी का दिन आ जाएगा, और फिर ऐन वक्त पे शॉपिंग करना, मैं तो पागल हो जाऊंगी। आई तो चल एक बात पूछूं। आई हाँ पूछ। लेकिन आई तू तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? कैसी बातें कर रहा है राजा, मैं तेरी बात का बुरा कैसे मानूंगी? तो आई मुझे सच सच बता, सच सच बता कि तू तू सुहानी की शादी से सचमुच खुश है? एक माँ जिसकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है, और उसके साथ हो रही है जिससे वो प्यार करती है, तो वो माँ क्यों खुश नहीं होगी? आई मैं उन माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन माओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आई मैं तेरी बात कर रहा हूँ, एक ऐसी माँ की बात कर रहा हूँ जिसकी जिसकी खुशी उसकी बेटी की होठों की मुस्कुराहट में छुपी हुई है। और सुहानी की मुस्कुराहट तो खत्म हो चुकी है। आई सुहानी के लिए ये शादी नहीं, एक सजा है। तो क्या तू सुहानी को ये सजा देकर खुश रह पाएगी? किसने तुझसे कहा कि मैं उसे सजा दे रही हूँ? किसने कहा राजा? आई किसी ने नहीं, क्या क्या कोई मुझे कुछ कह सकता है? हाँ, ये सुहानी का मुरझाया हुआ चेहरा ये हकीकत को बयां करता है। आई और आई तेरी खुशी के पीछे जो मजबूरी दिखाई दे रही है, क्या वो ये साबित नहीं करती कि तू भी समझौता कर रही है? हाँ राजा, मैं समझौता कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं समझौता कर रही हूँ, और समझौता ही जिंदगी का दूसरा नाम। तुम गलत कह रही हो माँ, तुम गलत कह रही हो। जिंदगी समझौते का नहीं, संघर्ष का नाम है। और ये शिक्षा मुझे बाबूजी ने ही दी थी। तेरे बाबूजी ने तो तुझे बहुत सारी शिक्षाएं दी थी, बहुत सारे संस्कार दिए थे। क्या हुआ उन संस्कारों का, क्या हुआ उन शिक्षाओं का? मैं मानती हूं सुहानी कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, लेकिन जब जब समाज संघर्ष की इजाजत दे, और जब सही वक्त हो संघर्ष के लिए, और गैर वाजबी वक्त में इंसान को जिंदगी के साथ समझौता करना चाहिए, संघर्ष नहीं। जो लोग संघर्ष के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं ना माँ, वो संघर्ष नहीं कुछ और ही करते हैं। मेरे लिए तो सही मायने में संघर्ष वही होता है जो किया जाता है जबकि हालात वश में ना हो। माँ, मैं जानती हूँ मेरी एक नादानी ने मुझे मेरी मंजिल के रास्ते से पीछे कर दिया है, लेकिन मैं अपनी इस एक छोटी सी भूल को अपने हार का कारण कभी नहीं बनने दूंगी, और इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। तो मेरा भी फैसला सुन ले सुहानी, या तो इस घर से तेरी डोली निकलेगी या मेरी अर्थी।
यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप को जो हमने मिस सुहानी सहाय के बारे में नोटिस भेजा था, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है और हमारे स्पॉन्सरशिप प्रपोजल पर भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अपने वकील से कहो कि उन पर प्रेशर डालें, देन आई एम श्योर कि एक ना एक दिन उन्हें झुकना ही पड़ेगा। ओके, आई विल डू सो मैम। व्हाट विल यू डू सो मैम? आई एम सॉरी टू से दैट, बट इतना जरूर है कि वो झुके ना झुके हम जरूर टूट जाएंगे। मैम, आप जितना कॉन्फिडेंट होकर सुहानी बाजी लगा रही हैं, उसकी शादी की चर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है मैम। आई थिंक ही इज राइट मैम, अगर सुहानी की शादी में कोई सच्चाई है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सच्चाई? मैम, अगर सच्चाई नहीं होती तो लोगों की जुबान बंद नहीं होते, चर्चा बंद नहीं होती। मेरी रिक्वेस्ट है मैम, आप से ना पड़े तो ही बेहतर होगा। मिस्टर वर्मा, मेरे लिए क्या बेहतर होगा और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि उन चर्चों की बात को हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सुहानी पर पूरा भरोसा है, वो अपने वायदे को जरूर निभाएगी। आपका भरोसा होगा मैम, लेकिन हमें हमारे फिनांसर पे एकदम भरोसा नहीं है। मैम, मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि वो रिस्क लेने को तैयार है ही नहीं। इन दैट केस मिस्टर वर्मा, मुझे उन फाइनेंसर्स के साथ की परवाह नहीं है, मैं ये रिस्क अकेले लेने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए चाहे मुझे अपना घर, अपनी कंपनी, अपना एक एक रुपया ताव पर क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन मैं अपने कदम पीछे नहीं खींचूंगी, कभी नहीं। देख रहे हो भैया, तुम्हारी बहन कितनी बेबस हो गई, कितनी लाचार हो गई। आज अपनों के अपनेपन से आहत हो गई है तुम्हारी बहन। कैसे समझाऊं मैं माँ को, कैसे बताऊं कि मेरा ये संकल्प कितना मायने रखता है। भैया, ये तुम्हारा अस्थि कलश जो आज भी मेरे साथ मेरा संकल्प बनकर मौजूद है, ये मुझे तुम्हारी आखिरी सांस की हिचकियों की याद दिलाता है। भैया, मैं माँ को कैसे समझाऊं माँ को कि तुम्हारी बंद होती हुई उन आंखों में कितने सवाल थे, कितनी उम्मीदें थी उन आंखों में, और मैं उन हर उम्मीदों को पूरा करना चाहती हूँ। भैया, पूरा करना चाहती हूँ उन हर उम्मीदों को जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं जानती हूँ कि अगर संजना गुजराल की साजिशों से हार मानकर मैंने शादी कर ली तो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किसके सामने रहूं भैया, मैं किसे समझाऊं भैया, जब तुम बाबू बनकर मेरी जिंदगी में वापस लौट आए तब तुमने भी मुझे कस्मों के बंधन में बांधकर बेबस कर दिया। कसम दे दी ना मुझे, कसम दे दी ना कि मैं तुमसे मिलने कभी भी ना आऊं, कभी भी नहीं। सुहानी भैया, ये वक्त रोने का नहीं है। सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सुहानी, मैं जानता हूं तुमने मुझे भाई का दर्जा दिया है, लेकिन असल में मैं एक मुजरिम हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मुजरिम होने की वजह से तुम्हारे माथे पे कलंक लगे। इसीलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे जेल में कभी नहीं मिलने आओगी। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझसे जेल में नहीं मिलने आओगी। भैया, मैं जानती हूं मुझे इस दुविधा से तुम ही बाहर निकाल सकते हो,
मुझे तुमने जेल में आने से इसके लिए मना किया था ना भैया, कि मेरे मान सम्मान पर आंच ना आए। लेकिन आज आज तो मेरा पूरा वजूद संकट से घिरा हुआ है। मुझे तुम्हारी कसम तोड़नी होगी भैया, मुझे तुमसे मिलने जेल में आना ही होगा। तुम ही हो जो मुझे संकट से छुटकारा दे सकते हो। अच्छा, इसका मतलब सुहानी बाबू से मिलने जाएगी। बाबू, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? तुम ही खुद चल के देख लो। चलो। मेरा मतलब है, आप यहाँ क्यों आई हैं? कमाल करते हो बेटा, एक पल में माँ कहते हो और दूसरे पल में दूर जाकर खड़े हो जाते हो। नहीं माँ, मेरा मतलब ये नहीं था। माँ लेकिन सब ठीक तो है, सुहानी कहाँ है? अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं यहाँ क्यों आती? माँ आप मुझे साफ साफ बताइए, प्रॉब्लम क्या है? कहीं संजना ने कुछ करने की कोशिश तो नहीं की? बुराई की फितरत कभी बदलती है बेटा? वो तो पूरी कोशिश करती रहेगी बुराई करने की। हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अपना रास्ता उसके रास्ते से अलग कर लें। माँ मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? देख बेटा, मैं तेरी बहुत एहसानमंद हूँ। तूने मेरे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी संकट में डाल दी। तूने सुहानी की लड़ाई में कदम कदम पर उसका साथ दिया, यहां तक कि उसकी जान भी बचाई। क्या कुछ नहीं किया तूने सुहानी के लिए। बस बेटा, मुझ पे एक एहसान और कर दो, सुहानी का साथ देना छोड़ दो। माँ आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे गलत मत समझना बेटा, मैं तो एक मजबूर और बेबस माँ जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती। उस बेटी की खुशी जिसे तुम अपनी बहन मानते हो। माँ सुहानी की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं उसका साथ देना छोड़ूं? क्योंकि सुहानी की आखिरी उम्मीद तुम हो और मेरी भी। तुझे देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आती है। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं तेरे सामने कमजोर ना पड़ जाऊं। देख बेटा, अपनी बहन की खुशी के लिए, इस मां की खुशी के लिए तू सुहानी को राजी कर दे कि वो शादी कर ले। क्या तू इतना नहीं करेगा मेरे लिए? बोल बेटा, बोल ना। अब तो मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन तू मुझे बेटा कहकर बोलेगी। माँ मैं तुमसे वादा करता हूं, सुहानी वही करेगी जो तुम कहोगी, ये मेरा वादा है। सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे हौसला फूलों।
पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।